बारामूला में अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेक्टर स्पेशली जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ है और उसमें आप सबकी एफर्ट्स हैं, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। पिछले साल में हमने एजुकेशन सेक्टर को जो है उस पर फोकस करके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप्स थे उनको फुलफिल करने की कोशिश की। चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमें अवार्ड मनी आया तो हमने एक मेजर कंपोनेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर को दिया। उसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहीं उसमें भी रेगुलर मॉनिटरिंग की और उसका नतीजा ये है कि पूरे जो सर्वे किया गया है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में, उसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो थे वो स्कूल में एट देयर एज अप्रोप्रिएट लेवल हम बारामूला में कामयाब हुए, सबसे हाईएस्ट नंबर हमने भर्ती किया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को ही मुबारकबाद दूंगी क्योंकि इसमें किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, आपकी पूरी जो टीम रही उसने पूरी दिल से काम किया और हमारी जो भी डिसीजंस रहे उनको आपने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, ऐसे ऐसे जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जहाँ पे आमतर जो लोग हैं या टीचर्स हैं या जो भी आम जनता वो जाना पसंद नहीं करती या दिक्कत आती है। चौटाली जैसी एरिया में वहाँ पे हो या सहूरा में हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कोशिश की इरेक्ट करने की जहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनको गाँव से बाहर निकल के नहीं आना पड़े। जहाँ तक हो सका हमने LEDs हो या स्मार्ट क्लासरूम्स हो, KGs हो, या उसके अलावा जो आज भी जैसे हम मिड डे मील्स के लिए बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्कूलों में दे रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर कामयाब होगा, फलेगा फूलेगा, तभी हमारे बच्चे और हमारा आगे आने वाली जनरेशन जो है वही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं और हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए हमारी भी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके हमें इनको एनकरेज करें। हमने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स और डिस्पेंसर्स ये ठान लिया है कि 100% सैचुरेट करना है सब स्कूलों में, जो भी हाई स्कूल्स हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें लगाना है। बलबीर जी, आपका ये जो 20% स्कूल्स रह गए हैं वो भी हम कोशिश करना चाहते हैं कि इसी 2 महीने में वो हम कम्प्लीट करें। बाकी आज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए भी मैं समझती हूँ कि ये तो हम दे रहे हैं लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल करना जो है हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी है, जो हमारे उन स्कूलों में है जहाँ पर हमारे ऐसे बच्चे आते हैं जो शायद घर पे जाके इतनी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में हों वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हों। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे टीचर्स की, ZEOs की, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की है कि जो भी चीज़ हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील के आइटम्स हों, चाहे वो स्कूल के बोर्ड्स हों, चाहे वो स्मार्ट रूम्स हों, या इसके अलावा जैसे भी इंसिनरेटर्स, डिस्पेंसर्स, बाकी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, तो ये आपके हवाले कर रहे हैं। ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इसका जैसे अपने घर में बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने घर की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे इन चीज़ों को भी आप अमानत समझ के इसका इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि हमारे बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच। आपने जैसे देखा कि आज यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई जिसका फ्लैग ऑफ आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन मैडम ने खुद किया, तो इसमें हमने हर एक स्कूल जो हमारे जून्स 18 जून्स हैं, 18 जून्स से हमने स्कूलों को यहाँ पर बुलाया था और उसमें हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की और इसमें जितने भी फंडिंग एजेंसी जो है हमारी समग्रा शिक्षा फंडिंग एजेंसी है, चूँकि आज जानते हो आपके गवर्नमेंट के पास जो है एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर है और हाल ही में जो NEP 2020 के वसादत से जो हमारा अब किंडरगार्टन क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं आप स्कूल्स में, उनके हवाले से हमने आज 85 स्कूल्स को यहां पर किंडरगार्टन मटेरियल जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली मटीरियल है हमने वो उनको दिया। उसके बाद हमने PM पोषण के तहत यहाँ पर तकरीबन 100 स्कूल्स को हमने यूटेंसल्स और गैस भट्टियाँ दी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है सीजनल स्कूल्स हमारे जो बैकू में चले जाते हैं बच्चे और वो किसी कारण जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से उनकी नॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ये लिया कि उसको टेंट वहाँ पर प्रोवाइड किए। उसके हवाले से हमने तकरीबन आज यहाँ पर 36 वाटरप्रूफ टेंट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए स्कूल्स में। उसके अलावा हमने 3 ट्राइबल स्कूल्स के हवाले से हमने जो है वहाँ पर
मटेरियल प्रोवाइड किया जिसमें आपने देखा कि एलईडी टीवी था, सीसा था, रैक्स थे, चेयर्स थे, जो कि अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे 3 स्कूल्स, ये वो स्कूल्स हैं कि जिनके बच्चे जो किसी कारण पीछे रह जाते हैं या वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट कम हो जाती है, तो उसको ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये स्मार्ट स्कूल्स हमने वहाँ पर 18 के 18 जोन को आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पर। उनमें हमने पायलट बेस पर 2-2 स्कूल्स यहाँ पर बुलाए थे और जिनमें हमारे जडियो साहिबान, हमारे टीचर साहिबान सभी यहाँ पर, जोनल कल्चर कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कल्चर कोऑर्डिनेटर, हमारे रिसोर्स ग्रुप पूरा यहाँ पर था। इसमें पूरे इन्होंने बहुत मेहनत की है, तकरीबन 2 दिन से हम ये मेहनत कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमने इनकी की, आपने देखा कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकली और ये आगे आने वाले समय में 2-3 दिन और चलता रहेगा। इसके बाद हमारा एक और मटीरियल आया है, FLN मटीरियल और TLM मटीरियल, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। आप ये देख लीजिए कि इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज जो हैं इस वक्त, वो मेरे ख्याल में एट पार विद प्राइवेट स्कूल्स।